हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस क्वाश करने वाला है ब्रॉक लेसनर को इन 1 मिनट एंड रेसलमेनिया 34। दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ी और कंट्रोवर्शियल न्यूज है जिसे सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। सभी को बेसब्री से वेट कर रहे हैं इस बड़े मैच के लिए। सभी को एक हिंट चाहिए कि आखिर क्या हो सकता है इस अनोखे मैच में। तो दोस्तों, मैं आपको 5 पॉसिबिलिटीज बताऊंगा इस वीडियो में जो हो सकती है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच में। नंबर 1, नो होल्ड्स बार्ड मैच और विंस मैकमैन स्पेशल गेस्ट रेफरी। दोस्तों, ये राइवलरी बहुत इंटेंस और पर्सनल होते जा रही है, तो उसमें वेपन्स का यूज होना एकदम जायज है। तो फिर हो सकता है कि हमें इस मैच में नो होल्ड्स बार्ड का स्टिपुलेशन देखने मिले। और जैसे कि पता होगा कि विंस मैकमैन इस स्टोरी लाइन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर हमें वो इस मैच के लिए स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बनते दिख सकते हैं। और उनका रोल इस मैच में कैसा होगा, इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2, हेल इन अ सेल मैच। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एक ऐसी मैच है जो एक रिंग तक सीमित नहीं रहेगी। और पहले भी अपडेट्स आए थे कि ये मैच हमें एक हेल इन अ सेल मैच देखने मिल सकता है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप जरूर चेकआउट करिए। नंबर 3, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। जैसे कि आपने देखा रॉ में कि ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को बहुत ज्यादा मारा जब रोमन रेंस के हाथ हैंडकफ थे, तो फिर अगर रोमन रेंस हरा दे ब्रॉक लेसनर को एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में एट रेसलमेनिया 34, और फिर देखेंगे कि द बीस्ट उठ नहीं पा रहे हैं 10 काउंट तक, तभी रोमन रेंस को एक अच्छा जस्टिस मिलेगा। नंबर 4, ब्रॉक लेसनर विंस क्लीन। दोस्तों, सभी को पता है कि रोमन रेंस के बहुत ज्यादा चांसेस है ये मैच जीतने के लिए, पर अगर विंस मैकमैन ने लास्ट मिनट पर प्लान्स चेंज कर दिए और ब्रॉक लेसनर को ये मैच जिता दिया क्लीन, तो ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मूव होगा। पर ये तब होगा जब ब्रॉक लेसनर रिसाइन करेंगे WWE के साथ। और अगर ब्रॉक लेसनर क्लीन हराते हैं रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया 34 और रिटेन करते हैं अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो फिर रोमन रेंस को फिर से सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा टू फेस द ब्रॉक लेसनर। एंड द नंबर 5, रोमन रेंस क्वाश करेंगे ब्रॉक लेसनर को इन 1 मिनट। दोस्तों, रेसलमेनिया मैच कार्ड में AJ स्टाइल्स वर्सेस नाकामुरा के मैच के बाद ये मैच बहुत प्रेडिक्टेबल है, पर अगर विंस मैकमैन को रोमन रेंस को जिताना ही है, तो क्यों ना वो दुनिया को शॉक करके उन्हें जिताए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने भी सोचा नहीं था कि सर्वाइवर सीरीज 2016 में गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को 1 मिनट 26 सेकंड्स में स्क्वाश कर देंगे। उस मैच में गोल्डबर्ग को ही जिताना था, पर विंस मैकमैन ने उन्हें एक शॉकिंग विन दी। तो दोस्तों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को स्क्वाश कर दे इन अ मिनट और 2। और वैसे भी रेसलिंग ऑब्जर्वर के ब्रायन एल्वारेस ने भी कहा कि अगर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को स्क्वाश करते हैं, तो वो जरा भी सरप्राइज नहीं होंगे। दोस्तों, ये थे वो 5 पॉसिबिलिटीज जो हो सकते हैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बड़े मैच में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और आपको इनमें से कौन से सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी लगी। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।